दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है, उन रिकॉर्ड्स में से या उन नंबरों में से अगर हमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है या फिर जो मिनिमम नंबर कौन सा है उसको अगर हमें निकालना है तो एक्सेल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं मैक्स और मिन के बारे में। तो अमूमन कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे पास कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है और उसमें से मैक्सिमम नंबर हमें निकालना होता है। जो सबसे बड़ा नंबर है या फिर सबसे छोटा नंबर है उसको अगर हमें निकालना होता है यहाँ पे एक्सेल के अंदर, तो आप उसको आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे ये नंबर है। नंबरों के ऊपर ही मिनिमम और मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है, टेक्स्ट के ऊपर तो हम करेंगे नहीं। तो ये नंबर है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस चीज को आप कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पहले मैक्स, पहले मैं मैक्सिमम नंबर को निकालता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, पहले इक्वल टू साइन, फिर उसके बाद से मैक्स लिखना है और अपनी ब्रेकेट को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे ये पैरामीटर पूछ रहा है नंबर वन नंबर टू, आप जितनी मर्जी इसके अंदर नंबर दे सकते हैं कॉमा कॉमा देते हुए, उससे भी वो पूरे नंबरों में से ये निकाल के दे देगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। लेकिन अगर हमारे पास सीट में कुछ इस तरीके का डेटा है, जैसे ये कुछ टेबल फॉर्मेट में है, उसमें से हमें मैक्स निकालना है, तो हमें इस रेंज को पहले सेलेक्ट करना होगा जिसमें भी ये नंबर अवेलेबल है। तो ये जो देखिए नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये जो 10 नंबर है ये कहाँ पे है? ये है B2, यानी कि B2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है? ये B8 तक। तो यही रेंज हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो B2 से लेके हम चाहते हैं B8 तक, ठीक है। और ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। तो जैसे आप ब्रैकेट बंद करके और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि जो सबसे बड़ा नंबर है यानी कि मैक्सिमम नंबर है वो है 13, यानी कि 13। इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 13 है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आपके पास बहुत बड़ा अगर डेटा सेट है तो उसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे मिनिमम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम निकालने का भी फॉर्मूला सेम ही है। जैसे आप यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाएंगे मिनिमम, फिर रेंज आपने सेम वही दे देनी है, यानी कि B2 से लेके B8 तक, ठीक है। अब इसके बाद से एंटर करेंगे तो देखिए ये मिनिमम नंबर भी यहाँ पे निकाल के एक्सेल के अंदर दे दिया। तो आप इस तरीके से चुटकियों में एक्सेल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम किसी भी डेटा सेट से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।